वालेकुम आज के इस लेक्चर का आगाज मैं एक क्वेश्चन से करूँगा और एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ये है कि पिक ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू केमिकल कॉम्पोजिशन ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि जो चीज बाकियों से मुख्तलिफ है जैसे एक ग्रुप है आपके पास दस भेड़े हैं शीप्स हैं सारी वाइट कलर की हैं जिनमें से एक ब्लैक कलर की है तो ब्लैक वन इज ऑड वन आउट तो ये क्वेश्चन अक्सर ऐसे पूछा जाता है आपके पास ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन है प्रोजेस्ट बीटा ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन है क्लोरोफिल और डेल्टा ऑप्शन है रबड़ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि इनमें से आपने निकालना है ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल कॉम्पोजिशन यानी की केमिकल कॉम्पोजिशन एक जैसी होगी तो वाई कोई एक है जिसकी केमिकल कॉम्पोजिशन बाकियों से मुख्तलिफ होगी वो आपने ढूंढना है तो आप ढूंढे मैं आज के इस लेक्चर का आगाज करने जा रहा हूं सो so, क्वेश्चन है हमारे पास जो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक में जो चीजें हम कवर करेंगे वो क्या हैं आर यू फेमिलियर विद टर्म्स क्या आप इन टर्म्स को जानते हैं कौन कौन सी टर्म्स कैरोनाइड्स क्या होते हैं स्टीरोइड्स क्या होते हैं कोलेस्ट्रोल क्या होता है और वो कौन से लिपड हैं जो के पोलिमर लिपर्ड हैं अक्सर एम सीख आ जाता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पोलिमर एक्सेप्ट तो इनमें से कौन से लिपड होंगे जो पोलीमर नहीं होंगे वो यही जो पोलीमर होंगे वो टर्पिनाइड होंगे तो टर्पिनाइड आर द ओनली दैट आर पोलीमर तो स्टार्ट करते हैं वाट आर टर्पिनाइड हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे टर्पीनाइड्स आर वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड वेरी लार्ज बहुत बड़ा ग्रुप है क्योंकि इसमें बहुत सी स्टीरॉयडल हॉर्मोन शामिल हो जाती है बहुत से स्टीरा शामिल हो जाते हैं वेरी लार्ज एंड इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कम्पाउंड विच आर मेडअप ऑफ स्मॉल आइसोप्रीनाइड सो टर्पिनाइड का जेनरल फॉर्मूला में लिख सकता हूँ टर्पीनाइड आर एक्चुअली इक्वल टू आइसोप्रीनाइड इनका क्या है बेसिक यूनिट होता है

कांडेन सेशन। कांडेन सेशन एक रिएक्शन होता है जिसमें दो समालर सब यूनिट दो या दो से ज्यादा सब यूनिट मिलकर एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं तो बहुत से आइसोप्रीनाइड कंडेंस होते हैं जुड़ते हैं और एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं टर्पिनाइड सो आइसोप्रीनाइड आर बेसिक यूनिट और टर्पिनाइड आर पॉलीमर इनके बाद इनकी जो एग्जांपल्स अक्सर आ जाती हैं रबर्ड्स की एग्जांपल है कैरोटनाइड्स कैरोटनाइड्स एसेसरी पिगमेंट है ठीक है कैरोटनाइड में क्या आ जाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स ये आप पढ़ेंगे बायोनोजेटिक्स वाले चैप्टर में इन एसेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी भी, भी शामिल होता है इसमें कैरोटिनाइड्स भी शामिल होते हैं कैरोटिनाइड्स के आगे फिर टाइप्स होती हैं कैरोटीन रेड टू ऑरेंज होती है Carotin, और जेंथोफिल जो होती है वो येलो टू ऑरेंज होती है इसी तरह से जेंथोफिल की एक एग्जाम्पल होती है फ्यूकोजेंथिन और ये आप अक्सर एल जी में डिस्कस कर रहे होते हैं क्लियर तो सो रबड़ भी क्या है टर्पीनाइड है केमिकल कंपोजिशन ऑफ रबड़ क्या होगी टर्पिनाइड लिपर्ड केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैर जो एसेसरी पिगमेंट है उनकी क्या होगी टर्पिनाइड लिपर्ड स्टीराइड स्टीराइड जितने भी इनका बेसिक यूनिट क्या होता है कोलेस्ट्रोल होता है एक्चुअली वो कोलेस्ट्रोल स्टिरोल मॉलिक्यूल से जिसको स्टिरोल भी कहा जाता है तो बेस जितनी भी स्टेरॉइड लिपिड स्टेरॉइड हार्मोन है ऑल सेक्स हार्मोन स्टेरॉइडल हार्मोन जैसे एस्ट्रोजिन प्रोजेस्टरान टेस्टोस्टेरान तो ये सारे सेक्स हार्मोन जो हैं वो क्या हैं वो स्टेरॉइडल हार्मोन है सारी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन क्या है स्टेरॉइड हैं जैसे कोर्टिसोल कोर्टिकोस्टेरॉन एल्डोस्टिरान और एंड्रोजिन क्लियर तो सारी स्टीराइडल खारिज कर रहे होते हैं की केमिकल नेचर क्या है वो टर्पिनाइड है।, है? है अब जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उस पर गौर करना उस पर गौर करना कौन कौन सी चीजों की केमिकल कंपोजिशन एक जैसी होगी रबर कैरोनाइड एसेसरी पिगमेंट

मेम्ब्रेन में, में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है एब्सेंट होता है सो so, ये सारी की सारी क्या है वो टर्पिनाइड की इंपॉर्टेंस है अब हम आते हैं जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एमसीक्यूज वो क्या था पिक ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू केमिकल कंपोजिशन अब देखें प्रोजेस्टेरोन ज्यादातर हार्मोन जिनके एंड पर ऑन आ रहा होता है एल्डोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन ये सारी क्या लिपिड स्टीरोड लिपोडो वर्ड यूज हो रहा होता है

एम दो दूसरे जो हमारे पास पब्लिक सर्विस मिशन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा एफ में ये लॉन्ग शॉर्ट एम तीनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है थैंक्स फॉर वॉचिंग और साथ ही यहाँ पर टॉप पर आप देखें तो प्ले लिस्ट शो हो, हो रही हो रही होगी चैप्टर नंबर वन की चैप्टर नंबर टू या थ्री की जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उसकी प्लेलिस्ट ओपन करें और सारी वीडियो लेक्चर वहां पर आप स्टडी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसका लिंक अपने कोलिग्स तक जरूर शेयर करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा फिर अमान